hello students welcome to class 12th this is introduction of class 12th physics chapter 1 electric charges and fields the topic of the day is coulomb's law in previous lecture we have discussed what is charge types of charge ways to charging from one body to another body the very important topic is charging by induction now today we will discuss about the coulomb's charge or coulomb's law now coulomb's law gives the information how to charge interact okay students now we know that positive charge are repelled together same thing negative charge पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आर रिपेल निगेटिव निगेटिव चार्ज आल्सो रिपेल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर अट्रैक्ट और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्ट टूगेदर ओके स्टूडेंट्स नाउ कोलॉम्स सेज दैट कुल ने हमको ये बताया वेन टू चार्ज सपोज दैट टू चार्ज वन इज क्यू वन एंड अनदर इज क्यू टू आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस आर दो चार्जेज हमारे पास एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं तो उन डिस्टेंस के जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज हैं वो एक दूसरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स हमारे पास कितना होता है इसके बारे में कुलम ने डिस्कस किया नाव कुलॉम ने बताया कि क्यू वन जो है वो क्यू टू के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और वह फोर्स इस डायरेक्शन में एफ टू वन होगा सिमिलरली जो चार्ज क्यू टू है वो क्यू वन के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और वो इस डायरेक्शन एफ वन टू होगा एफ टू वन और एफ वन टू इसका मतलब है जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट के ऊपर चार्ज फोर्स लगाएगा इसका मतलब मींस फाइनल माइनस इनिशियल एफ वन टू सिमिलर एफ टू वन फाइनल माइनस इनिशियल ओके स्टूडेंट्स ना तो कूलॉम्स ने हमको यह बताया इफ टू चार्ज आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस आर देयर फोर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन इंटू क्यू टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू अगर ये दोनों चार्जेस बड़े होते जाएंगे अगर इनका हम साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा सेकेंड पॉइंट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर द मीन ऑफ द वन अपॉन आर स्क्वायर इज जैसे जैसे इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स कम लग, लगने लगेगा यानी कि इफ द चार्ज आर सेपरेशन बोथ हैंड्स देन द लेस फोर्स अप्लाइज ऑन बोथ चार्जेस थर्ड आप ये बात याद रखिए थिंक अबाउट दिस फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज दिस फोर्स इस वाले पॉइंट को भी आप नोट डाउन करिए दिस फोर्स एक्ट एलोंग लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ऑफ टू चार्ज इसका मतलब यह है सेकेंड चार्ज फर्स्ट वाले के ऊपर या फर्स्ट चार्ज सेकेंड वाले के ऊपर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है बट कुलॉम ने हमको ये बताया अकॉर्डिंग टू ला कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को उसकी लाइन ज्वाइनिंग में उसके सेंटर की डायरेक्शन में लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं फोर्थ इज फोर्स इज डिपेंड ऑन द मीडियम एफ इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन फोर पॉइंट्स को जब हम एक साथ लिखते हैं देर फोर एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यह प्रपोजनल हटाने के बाद इक्वल लगाते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वेयर के इज द कॉन्स्टेंट के इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम के हमारे पास यहां पर एक कॉन्स्टेंट है और ये कांस्टेंट हमारे पास किसके लिए है किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसी नहीं है कि परमानेंट एक जैसी वैल्यू ही बनी रहे इसलिए आप ध्यान दीजिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एयर और वैक्यूम एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू वन के वैल्यू नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर ओके यूनिट देखिए हम लोग किस तरीके से निकालते हैं के की यूनिट ऑफ के वैसे तो हमको यूनिट लर्न करनी है लेकिन अगर आप कभी भूल जाएं तो यूनिट हम इस तरीके से निकालते हैं ये देखिए के यफ इक्वस टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को हम सेकेंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन Q2 फोर्स की यूनिट न्यूटन न्यूटन होती है. मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज यूनिट कोलॉम. यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर इक्वस टू के यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हमको ये पता होना चाहिए कि यहां पर आप देखिए जिस तरीके से हमारे पास चार्ज इंक्रीज होता है उसी तरीके से हमारे पास फोर्स भी इंक्रीज होता है बट अगर किसी भी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी कम हो जाता है आपको ध्यान रखना है कूलॉम्स लाई इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज इट इज एप्लीकेबल ओनली पॉइंट चार्ज अब देखिए वाट इज यू डू यू मीन वाई द पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज का मतलब जो भी हमारे पास चार्ज होगा वो बहुत छोटा होगा वेरी स्मॉल चार्ज वेरी स्मॉल मीन्स वन मिलीमीटर दैट सिंग बट ये डिपेंड करता है कि जो दो बॉडीज़ हमारे पास हैं वो कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं सपोज दैट ए बिग बॉल हमारे पास एक बहुत बड़ी सी बॉल है और वो बॉल अगर हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी हुई है तो जब हम उसको उस काफ़ी ज़्यादा रखी हुई दूरी के डिस्टेंस से जब देखने देखना स्टार्ट करेंगे तो वो बॉल हमको पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ेगी लेकिन अगर वही बॉल हम अपने पास में रख के देखते हैं देन वी कैन सा तो वॉल इज वेरी बिग एंड द चार्ज इज सेपरेटेड ऑन होल ऑफ़ द स्पेयर तो बॉल को हमको ये देखना है कि वो वॉल हमारे पास कितनी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर रखी हुई है ओके स्टूडेंट्स ओके नाउ द सेकंड पॉइंट इसमें लिखो एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर देखिए एफ इज डायरेक्टली टू अपॉन आर स्क्वायर इन प्रीवियस क्लास क्लास टेंथ वी हैव डिस्कस एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ था इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं तो F और R के बीच में जो हमारे पास सेपरेशन है उसके बीच में ड्रॉ करने वाला ग्राफ इस तरीके से होता है तो ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास डिस्टेंस है फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जो हमको ये बताता है जैसे जैसे हमारे पास फोर्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी और जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे फोर्स कम हो जाएगा ओके इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ ठीक है देन ध्यान क्या रखना है कभी कभी क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है फर्स्ट थिंग इफ फोर्स इज डबल इफ फोर्स इज डबल हमसे क्वेश्चन में आएगा अगर फोर्स डबल हो जाता है तो हमारे पास या रेडियस हाफ हो जाती है तो क्या होगा अगर फोर्स को डबल कर दिया जाएगा इफ फोर्स इज डबल तो जो हमारे पास पहले फोर्स था उस फोर्स को जब हम डबल करेंगे तो अब हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगा एफ इक्वल टू एफ अपॉन फोर आ जाएगा बिकॉज आर स्क्वायर है और अगर रेडियस को हाफ करते हैं इफ रेडियस इक्व टू वन अपॉन टू देन तो क्या होगा तो फोर्स जो है न्यू फोर्स एफ इक्व टू फोर एफ हो जाएगा यानी कि फोर्स जो है वो प्रीवियस फोर्स से फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो इस तरीके से ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ में ये वन मार्क्स में क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन काफी काफी टाइम पूछा जाता है ओके स्टूडेंट्स नाव द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में देखिए सेम थिंग है सपोज दैट वी हैव टू डिफरेंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस आर तो क्यू वन क्यू टू के ऊपर फोर्स इन दिस डायरेक्शन एफ टू वन एंड एफ एफ वन टू सपोज दैट डिस्टेंस इज टेकन एज मॉड आर बिकॉज हमको वैक्टर फॉर्म में निकालना है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा अब देखिए यहां पर वी कैन ड्रॉ टू वैक्टर दो वैक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और एक हमारे पास होगा आर टू माइनस आर वन वैक्टर सिमिलर जब इस वाले का इसकी तरफ से ड्रॉ करेंगे तो आर वन माइनस आर टू वैक्टर ओके स्टूडेंट्स नाउ थिंक अभी हमने एक फार्मूला ड्रॉ किया था एफ इज डायरेक्टली प्रपोजनल यानी कि कोलोम्स लॉ जो था वो हमारे पास कोलोम्स लॉ क्या था एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर मॉट आर स्क्वायर अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड है तो इसके साथ इसका डायरेक्शन होना कंपलसरी है तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट कैप लगा देंगे यू व्हाट व्हाट इज डू मीन बाय यूनिट कैप आर टू सॉरी आर वन माइनस आर टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर इज यूनिट कैप इन प्रीवियस क्लास वी हैव टू डिस्कस वॉट इज द यूनिट यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर ए कैप इक्वल्स टू ए वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो जब हम इसको आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का यूनिट कैप ओपन करेंगे देन के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड आर वेक्टर आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर कैप इज रिटर्न एजर फॉर्म आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर ओके स्टूडेंट्स नाउ अब आप हमारे पास देखिए जो हमने ये q1 और q2 टू बोथ चार्जेस आर प्लेस डेट डिस्टेंस आर मॉड आर मॉड आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और मॉड आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर यानी आर वन वेक्टर आर वेक्टर को हम आर टू वेक्टर माइनस आर 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 वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर एंड आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर कुछ भी यहां पर राइट कर सकते हैं तो आर वेक्टर को हम यहाँ के क्यू वन क्यू टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर अपॉन इस आर वैक्टर को हम आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर राइट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ होल मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर फोर्स एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू मॉड आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर इज टू होल क्यूब दिस इज द फॉर्म ऑफ वैक्टर लॉ फॉर्म सिमिलर इस तरीके से क्यू टू ने क्यून के ऊपर फोर्स लगाया एंड द फाइन द फोर्स एफ वन टू इक्व टू के क्यू वन क्यू टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर इज टू होल क्यूब सिमिलर एफ टू वन वैक्टर इक्व टू के Q1 की जगह हम Q2 लिखेंगे यानी कि Q2, Q1 वन एंड आर की जगह होगा R2 टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर होल अपॉन आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर इस टू मैग्नीट्यूड होल क्यूब इज द वैक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन ओके स्टूडेंट्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिए जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या मेरे नंबर पे जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ द सेकेंड टॉपिक जो भी हमारे पास होगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अभी इस टॉपिक से भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम के की वैल्यू को डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड वीडियो बताएंगे